हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी इंटेन चैनल पर मैं आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। यहां सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मैं गोविंद शर्मा 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूँ। मैंने यहाँ टॉप इंस्टीट्यूट पर नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच किया है, साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में इंडिया के स्टडी कर रहे हैं, उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। ये जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, नीट यूजी को क्रैक करने के लिए लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। अब हम बात करते हैं इस सब्सक्रिप्शन को कैसे अवेल करेंगे। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, अगर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है उसका पहला एडवांटेज है, यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती है, यहाँ एजुकेटर से डिस्कशन कर सकते हैं आप, लाइव डाउट रेज कर सकते हैं, यहाँ क्वेश्चंस के परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं। तो न केवल आप स्टडी कर रहे हैं बल्कि पैरेलल में और दूसरे बच्चे भी स्टडी कर रहे हैं, तो ये ऑफलाइन जैसी फीलिंग देते हैं। तो ये पहला एडवांटेज है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, यहाँ लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं जिससे आप उस परफॉर्मेंस को इवेल्यूट कर सकते हैं बच्चों कि आप नीट यूजी को क्रैक करने के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, आपका जो प्रिपरेशन है वो कहाँ स्टैंड करता है, इससे पता चल जाता है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है, यहाँ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, यहाँ के कोर्सेज बच्चे को जीरो लेवल से उठाकर हाई लेवल तक ले जाते हैं। यहाँ डिफरेंट ड्यूरेशन वाले कोर्सेज हैं, 2 मंथ कोर्स, क्रैश कोर्स, 4 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स के कोर्स अवेलेबल हैं। यहाँ जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये एक्सपीरियंस एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, यहाँ एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों, साथ में अनलिमिटेड टाइम्स आप क्लासेस, लाइव क्लासेस देख सकते हैं, एक ही चैप्टर की डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर की लाइव क्लासेस देख सकते हैं। अगर ये क्लासेस छूट गई है तो आप डेफिनेटली रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं, ये ऑफलाइन में ये फीचर नहीं होता है। तो ये 4 एडवांटेज इस सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के लिए इम्पोर्टेंट बनाते हैं। यहाँ पर कुछ डेमो क्लासेस भी फ्री अवेलेबल है, यहाँ के एजुकेटर्स बहुत एक्सपीरियंस हैं। अभी से सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको तीनों सब्जेक्ट का 6,000 रुपीज पर मंथ, अगर आप एक महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6,000 देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कॉस्ट 2500 पर मंथ रह जाएगा, और 24 मंथ का लेते हैं तो 1500 रुपीज पर मंथ रह जाएगा। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं बच्चों GS सर, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 1500 पर मंथ के लिए आपको 1350 ही पे करना पड़ेगा, और 2500 के बजाय आपको 2250 पे करना पड़ेगा, और 6,000 पर मंथ के लिए आपको 5400 पे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं बच्चों नीट यूजी को क्रैक करने के लिए जो सबसे पहला और इनिशियल स्टेप है बच्चों, सिलेबस को बहुत अच्छे से जान लेना है आपको नीट यूजी के। तो सिलेबस के बारे में आपको फुल थोरोली नॉलेज होना चाहिए ताकि आपको क्या पढ़ना है। ऐसा कहा जाता है 98 टॉपिक्स हैं टोटल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मिलाकर, या नीट यूजी में 3 सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तीनों के मिलाकर 98 टॉपिक्स हैं। बायो में 2 पार्ट हैं, जूलॉजी है और बॉटनी है, वो 50% पार्ट है नीट यूजी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और 25% फिजिक्स है, 25% केमिस्ट्री है, पर ज्यादा प्रॉब्लम फिजिक्स में होता है बच्चों, तो क्योंकि बायो वाले बच्चे थोड़ा कैलकुलेशन में यहाँ बच्चे प्रॉब्लम होता है, वैसे ही केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों। यहाँ जो भी
टॉपिक कवर किए जाते हैं वो 98 टॉपिक किसके किसके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के कौन से हैं, 11th और 12th क्लास के टॉपिक्स हैं, ये आपको इनके बारे में थोरोली नॉलेज होनी चाहिए बच्चों। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सिलेबस तीनों सब्जेक्ट का अच्छे से पता होना चाहिए, एक एक टॉपिक आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए इन 11th और 12th के जो फिजिक्स केमिस्ट्री के टॉपिक हैं उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, किनका ज्यादा वेटेज है। जैसे जेई की बात करें वो एग्जाम अलग है, वहां इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा टॉपिक नहीं आता है। नीट में फिजिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10% क्वेश्चंस देता है। ऐसे ही बायो में कई टॉपिक्स हैं जो नहीं इन्वॉल्व हैं, जैसे हम बात करें फ्रॉग है, कॉकरोच है, अर्थ वॉर्म है, ये 11 12th के सिलेबस में तो है लेकिन ये नीट के सिलेबस में नहीं इन्वॉल्व हैं। ऐसे ही फिजिक्स में प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं इन्वॉल्व होता है बच्चों। ऐसी हम बात करें कि तो मेनली जो सिलेबस है वो आपको एनसीईआरटी, 90% क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी से आते हैं, तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए बच्चों यहाँ पर। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। थोड़ा बहुत 5% क्वेश्चन हर बार वैरी करते हैं या आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकते हैं बच्चों, समझ रहे हैं आप यहाँ पर, क्योंकि ये केवल डिस्ट्रेक्शन देने के लिए होते हैं ताकि आप पेशेंस नहीं खोएं, धीरता से सारे क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें और उन्हें स्किप कर दें, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जहाँ आप इजीली छोड़ सके उन्हें, तो 5% क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आते हैं, तो उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बच्चों। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कुछ टॉपिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वो इजी भी पढ़ते हैं बच्चों को, लेकिन फ्रिक्शन और आरबीडी मतलब रोटेशनल डायनेमिक्स वाले टॉपिक से थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। वह न्यूमरिकल ज्यादा लेंथी न्यूमरिकल में बच्चों को नहीं जाना चाहिए, लेस वेटेज वाले टॉपिक भी पता होने चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर 12th में 60% वेटेज है 12th सिलेबस का, 11th सिलेबस का 40% वेटेज है, एवरेज कभी कभी 50% दोनों इक्वल हो जाते हैं, और एवरी ईयर थोड़ा बहुत चेंज होता है एनटीए के सिलेबस में, तो आपको सारा सिलेबस पता होना चाहिए। वो जो मैं बोल रहा हूँ कितने टॉपिक्स हैं, 98 टॉपिक्स हैं बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स के मिलाकर, वो 98 टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, और कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना परसेंटेज वेटेज है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जब तक आप सिलेबस से फेमिलियर नहीं होंगे तो उसे कवर करने के लिए आप एक रियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं बना पाएंगे। तो आपको सबसे पहला स्टेप है नीट यूजी को क्रैक करने के लिए कि आपका ये जो सिलेबस है उसे अच्छी तरह से नॉन हो जाए, फेमिलियर हो जाए, ताकि आप नीट यूजी को क्रैक करने की डायरेक्शन में, मतलब सबसे पहले ये हमारा हमें पता होना चाहिए कि क्या गोल है हमारा, किस सिलेबस को पढ़ना है, ये सबसे पहले पता चल जाना चाहिए, तो आपका आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे बच्चों। तो इस नीट यूजी इन 10 चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड GSSIR यूज कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, इस तरह से हम ये सिलेबस के बारे में यहाँ हमने स्टडी कर लिया है।